The Daily Show with Muneer Memon. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला नियाजी साहब की गिरफ्तारी के बाद जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की आज गिरफ्तारी हुई और जो मुबैना ऑडियो टेप मंजर आम पे है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ जानने के लिए हमें ज्वाइन करें नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाए। सर, इनसे जानते हैं कि आज आखिर ये क्या हुआ कि एक वक्त में ऑडियो टेप का रिलीज होना फिर दूसरे साथ जो गिरफ्तारियों का अमल जो तेजी से शुरू हो रहा है। नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, ये क्या हुआ आज सुबह? पहले खान साहब के हवाले से एक मुबैना ऑडियो टेप रिलीज की गई जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मामलात का तस्करा था, फिर दोपहर में जो गिरफ्तारियों का अमल शुरू हुआ, अब तक इत्तला ये है कि 2 से 3 अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब सियासी मैदान में हमारे मुखालफीन को पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, सियासत का मैदान उनके लिए एक समझ लें डर का और खौफ का मकाम बन गया। 17 जुलाई के इंतखाब में आपने देखा, उसके बाद बाई इलेक्शन को मुलतवी करना आपने देखा। पिछले 4 माह में जब से, बल्कि ऑलमोस्ट 6 माह होने वाले हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं और है भी इंपोर्टेड गवर्नमेंट, जिस तरह से इन्होंने लोगों का जीना धोबर किया, बिजली के बिलों की कीमतों की सूरत में पेट्रोल और जिंदगी की रोजमर्रा शायद खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ने की सूरत में और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सैकड़ों मामलात की सूरत में, तो अल्टीमेटली इनको अंदाजा था कि हम इमरान खान को मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, हमें इमरान खान के लिए ये जाल बिछाना पड़ेगा। और ये पीडीएम बिलखसूस पीएमएलएन का ये माजी भी रहा है, इन्होंने हमेशा इन्हीं ओछे हथकंडों से अपने सियासी मुखालफीन को दबाने की कोशिश की। तो नदीम साहब, माजरत के साथ, जब पिछली दफा आप लोग ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तब भी यही सूरत हाल देखने में आई, घरों में कूदा गया, छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई, इस बार भी ये मामला शुरू है? अभी तो लॉन्ग मार्च का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया आपकी जानिब से। देखिए, किसी का हवास बाका होना, किसी शख्स का आपे से बाहर हो जाना बगैर दलील, बगैर लॉजिक और गुफ्तो शनीद से हटकर इस तरह की हरकतें करना, ये बता रहा होता है कि दायमी शिकस्त का मुकद्दर बन चुकी है। मैं एक बात समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम को जितनी अवेयरनेस पिछले 6-7 माह में हुई इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आज आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर एक बच्चे से, बूढ़े से, नौजवान से सवाल करेंगे, वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये शऊर, ये सियासी समझ बूझ और अपने हुकूक और अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कंप्रोमाइज ना करना ही पाकिस्तानी कौम का एक खासा है। मुझे उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ये मजीद भी इसी तरह की हरकतें करेंगे। इन्होंने पहले भी यही किया कि 23 और 24 मई की दरमियानी रात इन्होंने पंजाब भर में और जहां जहां इंटीरियर सिंध में, कराची में, जहां जहां ये जुल्म जबर कर सकते थे, इन्होंने गोली से, लाठी से, FIR से, कैदो बंद से लोगों को दबाने की कोशिश की। और फिर इस्लामाबाद में आपने देखा किस तरह से शेलिंग की गई, आंसू गैस की, किस तरह से लोगों पर तशद्दुद किया गया, किस तरह से नहते लोगों पर, जो एक जो पाकिस्तान। तो नदीम साहब, अब लाया अमल क्या होगा, आगे का क्या लाया अमल है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या ये गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकने जा रहा है या तहरीक इंसाफ अपना मौकफ में तब्दीली लाएगी, लचक कहीं से दिखाने का इरादा है, क्या होने जा रहा है? तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है वो एक खुद मुख्तार, एक मजबूत मुआशी सियासी तौर पर मजबूत पाकिस्तान जिसकी दुनिया भर में इज्जत हो, जिसका ख्वाब कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसके लिए आज तक कायम पाकिस्तान से आज तक हजारों नौजवानों ने, पाकिस्तान की अफवाज के जवानों ने, पाकिस्तान के आम शहरी ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने जानों के नजराने पेश किए, कुर्बानियां दी। हमारा एक कदम भी हम इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। जदोजहद तकलीफों से हमेशा पूर होती है, जदोजहद कभी फूलों की सेज नहीं होती, जदोजहद में हमेशा तकलीफ आती है, मसाइल आते हैं और स्टेटस को की ये जितनी ताकतें हैं इनको आज अगर हम ललकार रहे हैं, इसी ग्राउंड पर ललकार रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत इस बात पर कायल हो चुकी है कि मौजूदा हुक्मरान जो है, जो पहले 35-40 साल यहां मुख्तलिफ सूरतों में इकतदार में रहे, इनके अजाइम, इनकी ख्वाहिशात, इनके टारगेट, इनके गोल सिर्फ और सिर्फ इनके जाती अजाइम की तकमील है। ये यहां NRO 2 लेने के लिए आए थे, जनरल मुशर्रफ के दौर का NRO भी इनके माथे का झूमर है और ये भी जो NRO इन्होंने लिया, आप ये अदालतों से जो ले रहे हैं तरामीम करके नैब ऑर्डिनेंस में और दीगर कवानीन में, ये भी इनको आने वाले दिनों में साबित होगा
इन्होंने झूमर डाला था, ये इनके गले में टॉक की तरह से। तो नदीम साहब आप क्या होने जा रहे हैं कि अगर ये आपके जो रहनुमाओं गिरफ्तार किया गया, अगर तो इनकी रिहाई ना हुई और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला इसी तौर पे जारी रहा, तो तरीके इंसाफ क्या प्लान कर रही है, क्या हिकमत अमल होगी आने वाले दिनों में तरीके इंसाफ की? देखिये, हमने हमारी प्लानिंग बड़ी वाजे है, हम डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी, तहसील की सतह पर भी हमारी तमाम तंजीमत एक्टिव है जी। प्राइम मिनिस्टर खुद सारी चीज, सबक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद चीजों को वॉच कर रहे हैं, खुद लीड कर रहे हैं, हमारे तमाम लीडरशिप एक्टिव है, हम सब लोग इस बात पर कायल है कि हमें हर सूरत अपने एहतजाज को आगे बढ़ाना है, भले हमें लॉन्ग मार्च करना पड़े, भले हमें शहरों में धरने देने पड़े, भले हमें किसी भी तरह से इस गवर्नमेंट से हमने जान छुड़वानी है, हमें जो भी करना पड़े। ठीक हो गया नदीम साहब, आपका मौका आ गया और यकीन तौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस हवाले से भरपूर तौर पे तैयार नजर आती है, जो कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर है कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीनियर क्यादत को माजी की तरह अरेस्ट कर लिया जाता है, छापे मारे जाते हैं और सीनियर क्यादत को ही चोक कर दिया जाएगा, तो तहरीके इंसाफ के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त इस्लामाबाद का रुख करने का सोच रही है, या फिर तहरीक इंसाफ दूसरी हिकमत अमली के साथ इस्लामाबाद के दीगर जो अतराफ के जो इलाके हैं उनके ऊपर एक बड़ा प्रोटेस्ट रजिस्टर करने जा रही है? क्या ये प्रोटेस्ट एक दिन का होगा या एक तवील एहतजाज होगा जो धरने की सूरत इख्तियार कर सकता है? ये सारे सवाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, एक प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।